अभी घोषामेल विधानसभा की परिस्थिति देखी है कि बीआरएस को अभी तक कोई मर्द नहीं मिला कि घोषामेल विधानसभा से लड़ा सके। साथ ही साथ घोषामेल विधानसभा का जो टिकट है वो बीआरएस नहीं एमआईएम डिसाइड करती है, और आज एमआईएम को जो जितने पैसे देगा उसी को बीआरएस का टिकट मिलेगा, क्योंकि एमआईएम का जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी वो टिकट बेच रहा है घोषामेल विधानसभा से। तो जो व्यक्ति जितना पैसा देगा उसको टिकट मिलेगा घोषामेल विधानसभा से। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी को आज सारा मुसलमान एक चैलेंज कर रहा है, खास करके पुराने शहर का, कि क्यों नहीं तुम राजा सिंह के खिलाफ एमआईएम कैंडिडेट खड़ा करते हो। तो उन मुसलमान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में कोई मर्द नहीं बचा जो मेरे खिलाफ चुनाव यहां से लड़ सके एमआईएम पार्टी से। हर बार असदुद्दीन ओवैसी साहब घोषामेल के मुसलमानों को बेचते हैं, कांग्रेस को बेचा वोट, टीआरएस को बेचा, अब बीआरएस को बेचने के चक्कर में है। तो एमआईएम में कोई मर्द नहीं है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सके। हाँ, यहाँ के मुसलमानों का वोट बेचेंगे बीआरएस को, और बीआरएस का कैंडिडेट कौन रहेगा ये दारुसलाम ऑफिस से डिसाइड होगा।